सोनम वांगचुक की। दरअसल 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा उन्होंने की है, दिल्ली तक वो पहुंचे, उनके साथ में उनके समर्थक मौजूद थे जिनको डिटेन कर लिया गया। दिल्ली पहुंचते ही हिरासत में सोनम वांगचुक को लिया गया है, उनके साथ में जो उनके समर्थक थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। धारा 163 का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से ये कार्रवाई जो है वो की गई है। लद्दाख के लोग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, और इसी मार्च में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। पुलिस ये कह रही है कि दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत यहां पर नहीं दी गई थी, उसके बावजूद पहुंचते हैं और इसी वजह से यह कार्रवाई की जाती है। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक ने अपने ही इस आंदोलन को लेकर के क्या बयान दिया है, और ये जो बयान अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो उन्होंने हिरासत में लिए जाने से पहले दिया था। पहली बात तो ये बापू की स्मृति में है, तो इसे हम बहुत ही शांतिपूर्ण रखेंगे, सद्भावना पूर्ण रखेंगे। दूसरी बात, ये लद्दाख की समस्याओं के समाधान के लिए है, तो इसे लद्दाख की पदयात्रा ही रखेंगे। दिल्ली के सड़कों पर दिल्ली की जनता का सम्मान करते हुए कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद ऐसा करना लद्दाख की परंपरा नहीं है, ना ही हम बैनर्स और प्लैकार्ड्स उठा के जुलूस का शक्ल लेंगे। और अब आपको ये बताते हैं हम कि अपने समर्थकों के साथ में सोनम वांगचुक ये आंदोलन कर क्यों रहे हैं, कारण क्या है, यहाँ पर समझिए जरा। 5 अगस्त 2019 से लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है, 2 साल पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई, जमीन और नौकरियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाए, संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की भी मांग जो है वो की जा रही है। सोनम ने मार्च में 21 दिनों की भूख हड़ताल भी की थी और केंद्र ने फिलहाल ये तमाम मांगे जो है उनको मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। मांगे ना माने जाने के खिलाफ दिल्ली कूच किया जाता है और उसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया। हालांकि जो सोनम वांगचुक है वो इस पूरे मामले पर नहीं चाहते कि इस पर राजनीति हो, लेकिन उन्हें हिरासत में लेने के साथ ही दिल्ली की सियासत काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा है, शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक जी और सैकड़ों लद्दाखियों को हिरासत में लेने पूरी तरह से गलत है। मोदी जी, किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा, आपको लद्दाख की आवाज सुननी ही होगी। और देखिए, आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोनम वांगचुक के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना यहां पर साधा है। सोनम वांगचुक के बहाने उन्होंने केजरीवाल ने जो है निशाने पर यहां पर लिया उनको। आपको बता दें किसानों को रोका जाता है वो ये कह रहे हैं, और दिल्ली में आने का अधिकार सबको है, जो ये किया जा रहा है वो सरासर गलत है। कभी लद्दाख के लोगों को रोका जा रहा है, निहत्ते शांतिपूर्ण लोगों से आखिर किस बात का डर लग रहा है इन्हें।